जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची कुमारी प्राची वास्तु टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं, गुरुवार के दिन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और गुरुवार को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, जो भी नियम होते हैं आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज गुरुवार का दिन है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। धार्मिक रूप से यह दिन बेहद अहम माना जाता है और इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार गुरुवार के दिन कई काम करने की मनाही होती है। शास्त्रों में इस दिन कई काम करना वर्जित माना गया है। अगर आप गुरुवार को ये काम करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी और बृहस्पति ग्रह नाराज हो सकते हैं और जीवन में समस्याओं का अंबार लग सकता है। कई लोग ज्योतिष के इन नियमों से अनजान रहते हैं और अपने सभी काम करते रहते हैं। तो आज हम जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार गुरुवार के दिन लोगों को बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन सिर और दाढ़ी आदि के बाल कटवाना निषेध माना गया है। ऐसा करने से सेहत खराब हो सकती है और संतान सुख में समस्या उत्पन्न हो सकती है। महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना शैम्पू साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इस दिन हमें अपने नाखूनों को भी बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि हमें गुरुवार के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो गुरुवार के दिन केले का सेवन करना निषेध माना गया है। गुरुवार के दिन अगर आप बृहस्पति देव और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो केले का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन केले की पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन केला खाने से आपकी धन संपत्ति को नुकसान हो सकता है और आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। गुरुवार के दिन घर में पोंछा लगाना और जाले साफ करना भी अशुभ माना गया है। इस दिन घर में पोंछा लगाना वर्जित होता है। गुरुवार के दिन कपड़े धोने, पोंछा लगाने से कुंडली में गुरु की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। ज्योतिष के अनुसार गुरुवार के दिन पैसे का लेन देन से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है और आर्थिक संपन्नता चली जाती है। ऐसा करने से धन संबंधित परेशानियां बढ़ती है और आपकी तरक्की में बाधाएं पैदा होने लगती है। ऐसे में पैसे का लेन देन बेहद सोच समझकर और ज़रूरत होने पर ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही ज़रूरतमंदों को लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में आप फल बांट सकते हैं या गरीब लोगों को आप फल दे सकते हैं। हमें इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको पुण्य मिलता है, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। और इस दिन जो लोग दान पुण्य करते हैं कहते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनकी हर इच्छाएं पूरी होती है, उनके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। इसलिए हमें हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए और विशेषकर गुरुवार के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, स्वच्छ कपड़े पहनकर पीले वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य देवता को जल देकर अपने दिन का आरंभ करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें
और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं, क्योंकि जो कलावे की बाती होती है उसका दीपक जलाना शुभ माना जाता है। और थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपसे कुछ ऐसी बातें बताई कि गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन बातों का कुछ लोगों को पता होता है और कुछ लोग इन बातों से अनजान होते हैं। तो जो लोग अनजान हैं तो वो ये सब काम ना करें जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और अगर किसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही टिप्स, ऐसे ही उपाय हम आपके लिए वीडियो में हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इसी के साथ अब हम करते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ।